हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल राधे राधे हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज लेके आई हूँ आंवले का अचार। आप 2 घंटे में बना के रेडी कर सकते हैं और सालों साल खा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आंवले का अचार कैसे बनाया जाता है सबसे सरल और अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये आंवला है जिसको हम लोगों ने बॉईल कर लिया है। अब बॉईल करने के बाद इसको अलग अलग सब पार्ट्स जो हैं, जितने हैं सब अलग अलग किए जाएंगे, जिससे कि कभी भी किसी को देना हो तो प्रॉब्लम ना। ये देखिए सारे पीसेस अलग अलग कर दिए गए। ये देखिए, तो ये सारे अलग करके फिर उसके बाद सारे मसाले एक साथ इकट्ठा करके फिर इसको बनाएंगे। चलिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उबाला था इसको कम से कम एक दिन तक आपको इसको धूप में सुखाना पड़ेगा। हमारा ज़्यादा उबल गया था, इसके लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सुखाना पड़ा। 3 से 4 दिन लग गया इसका पानी ख़त्म होने में। ये देखिए, अभी ये हमारा अचार में मिलाने वाला सारा मसाला, अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये मसाले में क्या क्या है। ये धनिया पाउडर है और ये नमक है। ये लाल मिर्च खड़े थे, उसको हम लोग पीस के अभी ऐसा बना दिए हैं। और ये सरसों है जिसको राई भी कहते हैं। ये लहसुन का पेस्ट है और ये है जीरे का पाउडर और ये है पंचफोरन का पाउडर। ये धनिया पाउडर है जिसको मैंने खड़ा था, तो उसको मैंने खड़े मसाले डालने से अचार के टेस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसलिए हम लोग सारी चीज़ें खड़े यूज किए। कोशिश करिएगा आप लोग। और ये है 100 ग्राम, ये है 50 ग्राम, ये 3 से 4 पूती आप लहसुन ले सकते हो, ये भी 50 ग्राम है जीरा पाउडर, और ये भी 50 ग्राम है, ये भी 50 ग्राम है, और नमक अपने स्वाद के अनुसार आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि कैसे मेरी सासु माँ अचार बनाती हैं। अब ये देखिए, मेरी सास बनाना स्टार्ट की। अब देखिए इसमें सारी चीज़ें अभी वो मिक्स करेंगे। अभी देखिए मैं सारी चीज़ें मैं उनको दे रही हूँ कैसे मिक्स किया जाता है, क्योंकि मिक्स करना भी बहुत मायने रखता है कि किस तरीके से किया जाए। लेकिन अचार भी इसका बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। हाँ मम्मी, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है इसका। मुझे तो एक बार बनाया था मम्मी ने इसको। अभी रोक, पहले मिर्ची नहीं सॉरी लहसुन नहीं डाल के पहले मम्मी बोली कि मिर्ची डालो, उसके बाद कुछ होगा, क्योंकि हाथ से नहीं मिक्स करेंगी, उनको खांसी भी थोड़ा आता है, ये थोड़ा टफ होता है करना। का पेस्ट अभी बोल रही कि लहसुन का पेस्ट जो है उसको ऐड करो। मम्मी ये पूरा ले लीजिए, ये देखिए इसको लगाएंगे। जिस प्रकार से आपका अचार हो उसी प्रकार से आप तेल को ले सकते हैं। आपका अगर ज़्यादा अचार है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, अगर कम है तो कम ले सकते हैं। लेकिन अचार इसका ना बहुत, और हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा होता है। ये देखिए अभी कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। दोस्तों सॉरी, ये हल्दी बहुत थोड़ी सी पड़ती है, इसलिए मम्मी थोड़ी हल्दी भूल गई थी, तो इसके लिए बोली कि थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो इसकी वजह से आप लोग इसको फिर से ऐड कर लीजिएगा। लास्ट में ही हल्दी मम्मी डालती है ना, तो इसलिए मुझे या मम्मी को याद नहीं था। तो अभी देखिए भी मिक्स हो रहा है, बाकी तेल थोड़ा सा और दूँ मम्मी। एक पाव तेल लगेगा मम्मी के लैंग्वेज में बोले तो। नमक अभी नहीं पड़ा है, नमक भी दे दूँ? एक नमक अपने स्वाद के अनुसार आप लोग ले सकते हैं। बस थोड़ा कसेला आता है इसकी वजह से बोल रही, नमक कोशिश करिएगा ज़्यादा ऐड करिएगा। नमक ऐड करने से क्या होगा कि अचार का आयु बढ़ जाता है। हाँ मम्मी, जिससे कि ना लंबा चलता है अचार, मतलब बिगड़ने का कोई चांस नहीं होता। अच्छे से मिक्स हो रहा है ये ना, इसका अभी जो इसका फाइनल लुक आएगा ना, आप लोग जब देखेंगे ना तो बोलेंगे वाह। आज बनाओ कल खाओ, मतलब बनता बहुत फास्ट है। बट ये है कि थोड़ा हम लोग में गलती ये हो गई कि बॉयल ज़्यादा हो गया। कभी भी उबालने में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर उबालने में मिस्टेक हो जाती है ना, तो फिर आपका 2-3 दिन तो लग ही जाता बनाने में। बिगड़ता तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। देख रहे हैं
कितना अच्छा लग रहा है, उसका पानी सूख जाए, पानी सूख जाना चाहिए। जो ऐसे हम लोग का छोटा छोटा पार्ट हुआ ना, ये देखिए ये छोटे छोटे पार्ट हो चुके हैं इसके। अच्छा लुक आया है इसका, लुक से ज्यादा इसमें टेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। अभी देखिए ये कंटेनर लेंगे जिससे मम्मी हम भरेंगी, देखिए देखिए अब इसको भर के रख देंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।